हो गया। ये आंसर है प्रियांक। है प्रियांक? नहीं सर। चलो फिर देखते हैं। सर रिमेनिंग हाफ भी इक्वल प्रोपोर्शन में दिया है। हाँ देख एक बारी, शायद यही आया आंसर। सोनल, कल आपके स्कूल में टेस्ट है? हाँ जी सर। बेटा यहां तक तो पूरा कंप्लीट हो गया, इससे आगे आने वाला जो टॉपिक है वो कम से कम 2 क्लासेस लेगा, और तो वो करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। वो हैवी हैवी, बात है सर। उसमें सब कुछ अभी तक जितना किया है, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सब कुछ यूज होगा। किसी का ओके कोई टेस्ट पेंडिंग है मेरे पास जो मैंने चेक करके देना है? यह सारे आ गए हैं। सर, लास्ट फंडा वाला टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, वो एक बारी चेक करके, पहले तो मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ होमवर्क दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक का मेन जो क्वेश्चन पेपर में आना है वो नेक्स्ट क्लास में होगा स्टार्ट, 8 मार्क्स का। अभी तक जितना भी किया है ये पेपर में नहीं आता, ये यूज होता है उस क्वेश्चन के अंदर। आई गेस ये क्वेश्चन हो गया होगा अभी तक। क्या रहा है आंसर सबका? सबसे पहली एंट्री हो जाएगी हमारे पास सॉल्यूशन में, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 रुपये। दूसरी एंट्री क्या हुई है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल टू, ए ने भी सेक्रीफाइस किया होगा और बी ने भी किया होगा, तो 30,000 रुपये कितने कितने बटे हैं? 22,500। यश का आंसर ही आ रहा है। और किसी का कोई आंसर आ रहा हो अलग सा? प्रयांग सर 15,15। का आंसर 15,15 है। बाकी लोग देखो, अगर सॉल्व नहीं किया तो ट्राई करो जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। यही आ रहा है। 15 each या 22,500 नाइन 22,500 और 75? सर 22,500। गर्ग जी, देवांश सर और 22,500। साहिल, सर 22,500। पांडा का भी, और यस किसी बच्चे का? वामिका, वेदिका, क्या आ रहा है आंसर बेटा? आंचल का क्या है आंसर?
अक्षय चयन हिमांशु ऊपर वाला आ रहा है मोहित का यहाँ पे आ गया लोहिताक्ष सर मेरा भी ऊपर वाले ही आ रहा है ठीक है रिद्धि रिया निश्चय सर मेरा भी ऊपर वाला आ रहा है हिमांशु भी यही है सम्यक का क्या है आंसर और वेदिका का सर 15-15 होना चाहिए क्योंकि प्रियांक के स्कूल में हो चुका है शायद तो उसका सही होगा प्रियांक के स्कूल में और कितने बच्चे पढ़ते हैं प्रियांक सचदेवा से है ना बेटा यस सर तो ये भी सचदेवियन है और ये मोहित भी सचदेवियन है देवांश भी है सर फिर वो गिफ्टेड वर्ड का भी तो फर्क आ जाएगा कुछ होगा इन्हीं दोनों में से आंसर तो चलो मेहर क्या कहती है कैलकुलेट कर चुके सर सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1 आएगी बड़ा सिंपल सा तरीका होता है देखो 1/5 अगर है तो आधा कर दो सबसे पहले 1/10 देन रिमेनिंग 1/10 को इक्वली बांटो तो 1/20 और 1/20 ए ने सैक्रिफाइस किया है 1/10 प्लस 1/20 दैट इज 3/20 और इसने सैक्रिफाइस किया 1/20 ये है ए का सैक्रिफाइसिंग और ये है बी का सैक्रिफाइस सर हम लॉजिकली सोचें तो कि 30,000 में से हाफ ए ने दे दिए तो मतलब 15,000 दे दिए देखो आंसर जो है 15,000 ही थे मैंने ये आंसर इसलिए पहले लिखा था क्योंकि मुझे पता था ज्यादातर बच्चों का यही आंसर आना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट भी यही कहता है एक्चुअल में क्या होता है बेटा जब गिफ्टेड शेयर होते हैं उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 3:1 आएगी बट जब प्रीमियम की बात आए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम की तो ए ने हाफ अपनी मर्जी से गिफ्ट किया बी ने नहीं कहा था उसे करने के लिए ए और बी ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है तो वो उन दोनों को प्रीमियम आधा आधा मिलेगा तो ये समझ नहीं आई बात ये देखो जब गिफ्टेड है गिफ्टेड और सैक्रिफाइस का एक ही चीज होती है जब आप किसी को गिफ्ट देते हो कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो कुछ नहीं सो गिफ्टेड शेयर के केस में जो प्रीमियम है वो तो यहाँ वाली रेशो में बढ़ता है बट जब आप न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हो तब आप ये देखते हो कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स और लॉस किसके कितने कितने अमाउंट से कम होते हैं तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1 आती है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है गिफ्टेड शेयर का क्योंकि जो NRSR है उसके अंदर रेशो 3:1 आ रही है बट प्रीमियम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर बी क्यों ज्यादा करेगा बी का तो कम आ रहा है ना हाँ बी का क्या कम आ रहा है मतलब बी क्यों इतना 15,000 क्यों कर रहा है कब बोला उन्होंने ये जो पहला हाफ है मुझे भी समझ नहीं आया जो फर्स्ट हाफ है बेटा वो ए ने अपनी मर्जी से दी है या कोई सैक्रिफाइस है क्या चीज है मर्जी से दिया अपनी मर्जी से दिया कोई एहसान तो नहीं किया ना सैक्रिफाइस करके नहीं ठीक है यहाँ पे ये दोनों उसे इक्वली दे रहे हैं तो ये सैक्रिफाइस है ये जो वाज गिवन बाय है ना ये बुक्स के अंदर लिखा हुआ आएगा वाज सैक्रिफाइस्ड या सरेंडर्ड बाय ये ऐसे लिखा हुआ आएगा यहाँ पे इस गिवन का मतलब है कि इन दोनों ने इतना इतना सैक्रिफाइस किया तो ये चीज है कि उन दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है चाहे आ रही हो 3:1 बट प्रीमियम जो है उन दोनों को इक्वली मिलेगा क्योंकि उन दोनों ने इक्वली यहाँ पे उसके लिए सैक्रिफाइस किया इसके अंदर क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है तो उसकी गिफ्ट करने वाली बात तो पूरी हुई नहीं हुई ना पहले वाला पार्ट तो गिफ्टेड है ना
भाई हो सकता है सी जो है रिश्तेदार लगता हो, ये का क्या लेना देना है हमें यार। मेन है कि गिफ्टेड शेयर के अंदर जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है वो यही है कि जब आप एनआर और एसआर देखोगे तब तो 3:1 आ रही है, बट प्रीमियम उन दोनों को इक्वली ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इस लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि पहला हाफ सिर्फ ए ने गिफ्ट किया है। तो जब आप किसी को कोई चीज गिफ्ट करते हो आप बदले में उसके बदले कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें भी मिलेगा बदले में। तो ये जो उन दोनों ने दिया है एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस जो ए और बी ने मिलके की है उसके लिए उनको प्रीमियम मिलता है बस। ये है कॉन्सेप्ट। सोहा क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो ये एक तुम्हारा लास्ट केस था, इसके अलावा आई गेस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में और कोई भी केस नहीं है। एक बार आप लोग अपनी चेकलिस्ट में देख लेना, मैंने सबको फॉरवर्ड की थी एक चेकलिस्ट पार्टनरशिप की। तो सर ये जो 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये कहां यूज आएगी? ये एनआरएसआर में यूज होती है बस। अच्छा। सो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका एनआरएसआर के अंदर अलग आंसर आता है और उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जो है हमारा आंसर यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आता है गिफ्टेड शेयर का। ये एक लास्ट केस था तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और कोई भी केस नहीं बचा इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट क्लास से सारे लेजर अकाउंट स्टार्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, अगर गिफ्टेड की जगह ग्रांटेड होता तो भी सेम ट्रीटमेंट होता? हाँ जी बेटा, गिफ्ट्स और ग्रांट्स एक ही चीज होती है। ठीक है सर। सो गिफ्ट के बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते तो ये वाला पार्ट जो है कंसीडर नहीं होगा जब प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो लेफ्ट ओवर पार्ट जो उन दोनों ने मिलके सेक्रीफाइस किया है वो उस रेशो के अंदर फॉर्म जो है प्रीमियम बांट के देगी सारे पार्टनर्स को। नेक्स्ट क्लास इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। इस पूरे चैप्टर का एंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये चैप्टर 50% खत्म हो गया है, अब रिमेनिंग 50 में से 25% आपके सिलेबस में आ नहीं रहा और 25% जो आ रहा है वो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। सो करंट सिलेबस के हिसाब से 2/3 टॉपिक खत्म हो गया, 1/3 जो है वो नेक्स्ट क्लास में एंड हो जाएगा। काफी होमवर्क मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 25-30 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन करने में आपको हाफ एन आवर से 40 मिनट्स लग सकते हैं। तो ये होमवर्क होगा नेक्स्ट क्लास, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जरूर आना प्लीज। छुट्टी। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना मुझे क्लास की आज की। मैं कर देता हूँ।